वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमें अपना प्यार दिखाते रहे। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी ज्यूस, हाउ इजराइल बिकम ए पावरफुल। और ये वीडियो है खान सर की, खान सर बटना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होता है। टीचर हैं और इंडिया के नंबर वन टीचर्स में इनका शुमार होता है। आइए मिलकर देखते हैं पहले ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, एक छोटा सा देश इजराइल, पूरी दुनिया इजराइल से क्यों डरती है और इजराइल से पंगा लेना कोई क्यों नहीं चाहता है? देखिए, फिलिस्तीन और गाजा में जो हो रहा है सारे अरब देश देख रहे हैं। 57 अरब देश हैं, ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इवन दुनिया भी एक धड़े से खड़ी हुई है, सब मुख दर्शक बन के रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो इजराइल के पास ऐसा पावर होगा जो इतना छोटा सा देश, जो नक्शा में ही नहीं दिखता है वर्ल्ड के, जिसकी आबादी, ये छोटा सा देश है जिसकी आबादी 9 मिलियन है, ये इतना छोटा देश है, यहाँ यहूदी आबादी है। यहूदी आबादी जो ना, ज्यूज बोलते हैं इसे, ज्यूज जो होते हैं बड़े बड़े पावरफुल होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, पूरी दुनिया के मनी कंट्रोल यही करते हैं, टेक्नोलॉजी कंट्रोल यही करते हैं। अब एक एक करके समझते हैं, हम आप या एक साधारण से साधारण व्यक्ति, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोना में या दुनिया के किसी कोना में है, ये ज्यूज कम्युनिटी जो यहूदी हैं, यानी जो इसराइल जिनका बेस देश है, वो सब पे नजर रख सकते हैं। हमारा आपका मोबाइल कंप्यूटर सब इन्हीं लोग के पास है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। बिल गेट्स की कंपनी जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर में जो विंडोज आते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी हिस्सेदारी है किसकी, ये जो सीईओ रह चुके हैं स्टीव बॉलनर की, ये ज्यूज कम्युनिटी से आते हैं यहूदी। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हर बहुत सॉफ्टवेयर आता है, वर्ड आता है, एक्सेस, पावर पॉइंट, नोट, बहुत सारा आता है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है यहाँ पर, तो वो भी उसके ये पास में है यहाँ पे। अब देखिए, विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट का। अब दुनिया का कोई कंप्यूटर अगर आप देखिएगा, 90% चांस है कि इंडिया में जितने कंप्यूटर है दुनिया में वो विंडोज ही लोग यूज करते हैं। मैकबुक बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, ज्यादा पॉपुलर विंडोज है। इसी तरह के कंप्यूटर आप लोग यूज किए होंगे, सबको पता है कि ऊपर से कट करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, रीस्टार्ट करना है, यहां करना, इतनी तरह से हमें ये अपना एडिक्टेड बना चुका है। इंटेल जो है ये प्रोसेसर बनाती है, सीपीयू, प्रोसेसर, कंप्यूटर का जान होता है प्रोसेसर। और इंटेल कंपनी में 3000 जो मेन इंप्लॉई हैं, जो कोर इंप्लॉई हैं, और इनका सबसे बड़ा रिसर्च जो लेबोरेटरी है वो इजराइल में है। तो इंटेल सॉफ्टवेयर जो हमेशा Core i5, Core i7, Core i, ये जो आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी सीरीज आती है 7nm, 6nm, ये सब जो टेक्नोलॉजी आती रहती है वो इन्हीं की है। अब चाहे कंप्यूटर आप किसी कंपनी का लीजिए, Acer, Dell, Lenovo, एप्पल तो खैर अपना देता है, HP, HP, जो भी यूज करते हैं आप लोग, उसमें 90% चांसेज है कि इंटेल का ही आपका सीपीयू लगा होगा, कोर लगा होगा, आप चाहे वो डेस्कटॉप लीजिए यहाँ पे। और ये चलेगा किस पे? तो माइक्रोसॉफ्ट पे। अब देखिए, ज्यूस का माइक्रोसॉफ्ट भी है तो सॉफ्टवेयर भी माइक्रोसॉफ्ट का, ज्यूस का, और हार्डवेयर भी ज्यूस का, इसलिए कोई इनसे नहीं टकता था। अभी एक एक करके सब चलिए, अभी तो ये शुरुआत है यहाँ पे। अब देखिए, एक एनवीडिया कंपनी है, एनवीडिया, ये भी बहुत प्रोसेसर भी बनाती है। इसका जो ग्राफिक्स कार्ड आता है, रैम आता है, तो ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का बहुत पावरफुल आता है। जितने गेमिंग होते हैं ना, ये फ्री फायर, पबजी, ये जो जितने बड़े बड़े आजकल गेमिंग आ गए हैं, तो देखिएगा जो भी गेमिंग लैपटॉप या खरीदता है डेस्कटॉप ना, वो जरूर देखता है कि हमको एनवीडिया का ग्राफिक्स चाहिए। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें भी इजराइल के ही दबदबा है, ज्यूस कम्युनिटी का ही है। अब देखिए, एक और ज्यूस है आपका माइकल डेल, इनकी कंपनी डेल है, कंप्यूटर में एक बड़ा नाम रखती है डेल में। एक और यहूदी इजराइल ज्यूज दिखाते हैं, मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक है। अब बताइए, फेसबुक, श्रीलंका डुबा दिया फेसबुक, आज सब इंसान फेसबुक चला रहा है, आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं सारा उसके पास पकड़, जरा इनसे पंगा लेके देखिए, आपके खिलाफ फेसबुक पे इतना भर देंगे, परेशान हो जाएंगे। इंस्टाग्राम इन्हीं का है, यहां पर ChatGPT, यहां पे सैम अल्टमैन का है। ChatGPT आजकल बड़ी आगे आ गया है, ऑटोमेटिक है, AI है यहां पर, ओपन AI। व्हाट्सएप मार्क जुकरबर्ग का है, ये भी ज्यूज है यहां पे।
मैसेंजर ज्यूस का है, सैम अल्टमैन जो चैट जीपीटी के हैं ये भी ज्यूस हैं। तो इसलिए ज्यूस जो हैं उनसे कोई नहीं टकराना चाहता है, और दुनिया में कहीं भी ज्यूस यानी यहूदी है ना वो ऑटोमेटिक इजराइल का नागरिक है। तो इतने बड़े बड़े लोग, अभी देखते चलिए एक एक करके समझते हैं आगे। गूगल, गूगल भी किसका है, लैरी पेज, वो भी ज्यूस हैं। और दुनिया के किसी भी एरिया में यहूदी ज्यूस रहेंगे वो इजराइल के नागरिक हो जाएंगे। अब गूगल में देखिएगा तो उसका प्ले स्टोर, तो आप कोई भी एप्लीकेशन बनाइएगा वो जाएगा कहाँ पर, प्ले स्टोर पर। कोई भी एप्लीकेशन बना लीजिए वो प्ले स्टोर पर ही आप उसको रजिस्टर कराते हैं। जैसे जोमेटो स्विगी को देखते हैं, मान के चलिए प्रॉफिट बना रही हैं, अगर इन्होंने सोचा कि हम फिलिस्तीन को 100 करोड़ रुपए की मदद कर सके, अच्छा बड़े बड़े देशों को मदद कौन करेगा, एक आम आदमी तो मदद नहीं कर सकता, ये टेक्निकल जाइंट कंपनी, बड़ी बड़ी जो बड़ी कंपनियां हैं एमएनसी कंपनी वही मदद करेगी। अब जहां ये जोमेटो स्विगी उधर मदद करने जाएंगे प्ले स्टोर से इनकी रेटिंग गिराना चालू करेगा, कुछ भी कर देगा। यहाँ पे फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, अमेजोन, नेटफ्लिक्स कोई पंगा लेके देखें, क्योंकि आप कुछ भी बना लीजिए आएंगे तो प्ले स्टोर पे ही ना, यहीं से गायब कर देगा, तो आप कहाँ जाइएगा, कौन बड़ा इंसान पंगा लेगा इनसे। यहाँ पे हमारा ही जो एप्लीकेशन है खान ग्लोबल स्टडीज, जितने स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं अभी लगभग 79 लाख लड़के उसमें पढ़ते हैं, 79 लाख वो लड़के कहाँ पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है इसीलिए वो लोग पढ़ पाते हैं। अब क्या करेगा, अभी कोई पंगा लेने जाए ना इसे रेटिंगें गिरा देगा, अभी 4.6 है रेटिंग गिरा देगा, उससे कुछ करने लगेगा, डाउनलोडे कम कर देगा, यहाँ से जाए यहाँ से एक महीना के लिए प्ले स्टोर से हटा देगा, कहेगा ये नोटिफिकेशन लाइए, ये क्लियरेंस लाइए, वो क्लियरेंस लाइए, चिल्लाते रहिए यहाँ पे। तो बहुत बड़े लेवल का आदमी इनसे पंगे नहीं ले पाएगा। तो ये किसका है, लैरी पेज वगैरह का। गूगल मैप, गूगल भी किसका है, उन्हीं लोग का है। यहाँ पे गूगल मैप हो गया, जीमेल हो गया। अब आप बताइए अगर जीमेल गया ना आपका, ईमेल गया ना, तो लगभग लगभग आप इंटरनेट से कट चुके हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर से बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जैसे बहुत बार ऐसे ओटीपी होते हैं, जब भी कोई वेरिफिकेशन वाला ओटीपी हुआ या फिर बड़े लेवल का कोई सिक्योरिटी वाला हो गया, तो दो ओटीपी आता है, एक मोबाइल नंबर पे आता है और एक आपके मेल पे आता है। जीमेल भी किसका है, गूगल का है। कौन पंगा लेने वाला आएगा भैया, आपको मेल ऑफिशियल माना जाता है, किसी को फ़ोन कर देना या किसी को मैसेज कर देना, व्हाट्सअप करना, वो ऑफिशियल नहीं होता है, मेल ऑफिशियल होता है। इसको भारत सरकार और कोर्ट भी एक्सेप्ट करती है, और सबसे ज़्यादा जीमेल ही यूज़ होता है, सबके मोबाइल में जीमेल होगा, एक दिन बंद करेगा सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। ये भी किसका है भैया, तो लैरी पेज गूगल के। वहाँ पे नेट बैंकिंग, एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो नेट बैंकिंग को एक्सेप्ट करता है, फ़ोन बैंकिंग को एक्सेप्ट करता है, और एंड्रॉयड किसका है, गूगल का है। एंड्रॉयड किसका, गूगल का हो गया। ये भी ज्यूज यानी इनडायरेक्टली इसराइल का कंट्रोल है इसके ऊपर। यहाँ पे आपका फोन पे है, पेटीएम है, आपका गूगल पे है, नेट बैंकिंग है, ये सारा का सारा चीज़ें आपको ना कहीं मेल और गूगल से ही इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे एंड्रॉयड एक्सेप्ट नहीं करेगा, मान के चले एंड्रॉयड पेटीएम एक्सेप्ट नहीं कर देगा, ये काम करे ना करे, अगर एक्सेप्टे करना बंद किया या फिर लेट प्रोसेस कर दिया तो कौन पंगा लेगा इन लोगों से जाने के बाद। यहाँ पर गूगल का देखिएगा, तो गूगल का क्रोम, कुछ भी सर्च करने जाएंगे तो क्रोम पे ही सर्च करते हैं आप लोग। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर, इंग्लिश में डालिए, जापानी में लिखिए, चाइनीज में लिखिए, भोजपुरी, कुछ लिखना है लिखते रहिए यहाँ पर। तो गूगल के बहुत सारे आते हैं, जिस पर आप लोग हमको देख रहे हैं यूट्यूब, ये भी किसका है, तो गूगल का ही है। यूट्यूब जो है वो गूगल का ही हिस्सा है। तो ये सब भी, सब पे किसका कंट्रोल रहता है, ये दो लोग का। देखिए भैया ये दो लोग, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये दोनों लोग ज्यूज हैं, अमेरिका में कैलिफोर्निया में इनकी कंपनी है, ज्यूस कंपनी। बट ज्यूस कहीं भी रहेंगे वो इसराइल के नागरिक हो जाएंगे। जरा इन लोग से पंगा लेके देखिए, सबसे बड़ा पंगा क्या है इनसे लेने जाइएगा ना, तो इनका ही है एंड्रॉयड। देखिए एंड्रॉयड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी आपकी मोबाइल रन करती है। अब चाहे आपका मोबाइल सैमसंग हो, ओप्पो हो, एलजी हो, एमआई हो, मोटरोला हो, रियलमी कुछ भी होने वाला हो, आपका मोबाइल चलता है एंड्रॉयड पर। एंड्रॉयड पहले से बिल्ट आता है, और वो इन्हीं दोनों लोग का है भैया, गूगल वालों का। इनसे कौन पंगा लेगा, बड़ी बड़ी कोई भी इंसान इनसे पंगा लेना नहीं चाहता है यहाँ पर। और अल्फाबेट जो कंपनी है वो इन लोगों की मेन मदर कंपनी है अल्फाबेट। हम लोग को लगता है गूगल बड़ा चीज़ है, इंसान जब भी गूगल सोचता है ना तो उसको लगता है कि गूगल क्रोम और यूट्यूब, यही लगता है उसके लिए गूगल है, और नहीं तो गूगल मैप। नहीं भैया, गूगल का सबसे बड़का चीज़ हो जाता है एंड्रॉयड हो गया, सर्च इंजन हो गया, यूट्यूब हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, दुनिया भर के गूगल के चीज़ हैं, गूगल वेंचर है। सबसे बड़ा चीज़ जो बड़ी बड़ी कंपनियां डरती हैं गूगल से, वो ये डरती हैं कि गूगल ऐड रोक देगा। जितने एडवर्टाइजमेंट हैं दुनिया के, ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट को गूगल कंट्रोल करता है। अब आपके खिलाफ प्रचार करने लगेगा या आप ही के सामने आपके कंपटीटर को खड़ा करने लगेगा, तो कौन इंसान इन लोगों से पंगा ले। ये पूरी दुनिया का नस पकड़े हैं सब यहाँ पर। अभी आगे देखते चलिए, यहाँ पे देखिए, इंसान आज के समय में
मोबाइल या कंप्यूटर दो ही चीज़ यूज़ करता है तब डिजिटल, बड़े मार्केट के लिए डिजिटलाइजेशन के लिए। अब आप मोबाइल यूज कीजिएगा तो 99% चांसेज है, मतलब 90% से ज़्यादा चांसेज कि आप एंड्रॉयड यूज़ की। एंड्रॉयड किसका? लैरी पेज और ब्रिन का, गूगल का ही है। क्या काम से? मोबाइल बिना एंड्रॉयड नहीं चला पाएंगे आप। कितने लोग के पास iOS है और वो भी एप्पल में भी बड़े बड़े पोस्ट पे जीव बैठे हैं यहाँ पे। अगर आप लैपटॉप यूज़ कीजिएगा तो लैपटॉप में भी विंडोज यूज़ कीजिएगा, आप चाहे विंडोज 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ तो करेंगे विंडोज ही। तो बिना विंडोज़ के लैपटॉप गया, कंप्यूटर गया, अब बिना एंड्रॉयड का मोबाइल गया। एंड्रॉयड गूगल का, गूगल लैरी पेज का, लैरी प्ले जीव्स, जीव्स इज़राइल। विंडोज की बात करेंगे तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट में भी आप जानते हैं स्टीव वॉलनर एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो भी जीव्स मतलब इज़राइल, यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। ऑनलाइन कुछ भी चीज़ करिएगा या तो आप उसका एप्लीकेशन बना के सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जब किसी चीज़ की बार बार ज़रूरत होती है तो लोग उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो डेली क्लास चलता है, 12-13 घंटा डेली क्लास चलना है तो एप्लीकेशन पे पढ़ेगा। कभी कभी जाना है, जैसे शॉपिंग करने जाना है या फिर कभी कोई टिकट बुक करना है तो वेबसाइट पे लोग चले जाते हैं। लैपटॉप के लिए वेबसाइट, वेबसाइट चलेगा विंडोज़ पे, एप्लीकेशन चलेगा एंड्रॉयड पे। लो पंगा देखते हैं, चला लेते हैं। इज़राइल का एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, इज़राइल में एम्बुलेंस ड्राइविंग करने वाला नथान एंडरसन, इसकी कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने एक झटके में एक रिपोर्ट पब्लिश किया अडानी के साथ, 71% शेयर नीचे गिरा के रख दिया। लगभग 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का शेयर प्राइस में घाटा लगा था, इतना बड़ा घाटा लगाया था कि इंडिया के, दुनिया के सबसे नंबर वन थे, 20 के बाहर फेंक दिया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था अडानी ग्रुप को यहाँ पर, एक छोटे से रिपोर्ट के हिसाब से, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से। जबकि इसराइल में ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर था इंसान, इतना शेयर मार्केट नीचे गिरा दिया। और हिंडनबर्ग का तो बाप है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ गई ना तो देश की जीडीपी आगे पीछे हो जाती है, कंपनी को छोड़िए ना। तो अगर कोई इंसान ज़्यादा इसराइल के खिलाफ जाता है तो ब्लूमबर्ग जो है वो माइकल ब्लूमबर्ग का है, और माइकल ब्लूमबर्ग ज्यूज हैं और ज्यूज इनडायरेक्टली इसराइल के हो गए। हर एक ज्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जितने धर्म है उसमें सबसे ज़्यादा एक दूसरे का मतलब आपस में इंटरकनेक्शन ज्यूज यानी यहूदियों का है। एक बार अगर कोई भी कंपनी लगी, मान के चलिए 500 करोड़ रुपये फिलिस्तीन या गाजा को मदद करने के लिए पहुंचा दी, अगर इसने छाप दिया ब्लूमबर्ग में कि इसमें वित्तीय अनियमितता देखी गई है, शेयर चल जाएगा नीचे। कौन इंसान अपना कंपनी, कौन कंपनी वाला करेगा? क्योंकि कंपनी को भी बड़े डिसीजन लेने के लिए एक बोर्ड मीटिंग में बैठानी पड़ती है। ये पूरी दुनिया का नस पकड़े, इसलिए देखिएगा ना, सऊदी अरब भी इसका साथ नहीं देता है, अरब भी नहीं दे पाते हैं, कोई भी नहीं दे पाता है, इवन कि देखिए रसिया वगैरह भी नहीं। और ये माइकल ब्लूमबर्ग ये भी ज्यूज़ हैं। तो आप देखिए ये लोग पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान दिया, इतना आगे चला गया। यहाँ पर एक और नाम सुन लीजिए भैया, लैरी इल्सन, इनकी कंपनी है ओरेकल। ओरेकल सॉफ्टवेयर कंपनी है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाती है, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे बैंकिंग वैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना उन लोग के लिए। जैसे हम लोग के एंड्रॉयड, हम लोग का अपना सॉफ्टवेयर घर ही बना लेते हैं, जैसे अपना इन हाउस बना लिए, लेकिन जैसे मान के चलिए फ़ोनपे बनाना है, कल आदमी नहीं बना पाएगा। गूगल पे बनाना है या फिर बैंकिंग का कोई बनाना है, जैसे ओला भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है, जोमेटो भी एक सॉफ्टवेयर है, तो वो मेरे को काफ़ी हैवी ज़रूरत होती है, बल्क लोड होता है उस पर। जैसे IRCTC है, बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर, क्लाउड स्टोरेज, डेटा सेंटर, ये सब आपका ओरेकल नाम की कंपनी देती है। बहुत बड़ी कंपनी है ओरेकल। यहाँ पर जो टेक्निकल ग्राउंड से होंगे लोग ना, उनको ओरेकल समझ में आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ज्यूज यानी यहूदियों का केवल टेक जाइंट है। यहाँ पर इनके फैशन शो में भी देखेंगे, पोलो कंपनी, आपका रॉल्स लॉरेंस, ये कर कंपनी है जो गारमेंट्स वगैरह के सेक्टर में बहुत आगे जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे आप लोग, कैल्विन क्लीन, कैल्विन क्लीन भी किसका है? क्लीन का है। ये भी ज्यूज थे, एक बहुत फेमस ज्यूज, ज्यूज मतलब यहूदी और इसराइल का इनडायरेक्टली कंट्रोल है उसमें, जो प्लिजर, इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है हयात रिजेंसी। हयात होटल आप देखे होंगे, इंडिया के जितने बड़े शहर होंगे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हर जगह आपको हयात मिलेगा, और एकदम प्रीमियम लोकेशन पे, एयरपोर्ट के पास, मेगा सेंटर के पास, रेलवे स्टेशन तो हाँ वहाँ भी मिलता है। तो बड़े बड़े होटल, ऐसा नहीं 150 देशों में इनकी होटल है, और इनके होटल ऐसा नॉर्मल मत समझिएगा, इस होटलों में प्रधानमंत्री तक रुकते हैं लोग। अगर मान के चलिए बहुत सारे प्रधानमंत्री G20 के समिट में आए थे ना, किसी को ललित में रखा गया था, किसी को ग्रैंड हयात में, तो किसी को हयात में, तो ये नॉर्मल होटल नहीं है, नॉर्मल आदमी के बस के बाहर का चीज़ है। तो दुनिया में इतना बड़े बड़े ये लोग का इतना पावरफुल रहते हैं आप, अब इसमें होटल वगैरह। और ऐसा ही नहीं, इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी में भी देखिए, उसका पेगासस सॉफ्टवेयर है, किसके मोबाइल में पेगासस लगा है किसी को नहीं पता है,
पैगासस इमरान खान के मोबाइल पे पैगासस लगा दिया था। पूरी विपक्ष से लेके चारों ओर से परेशान थे लोग पैगासस से। आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। ऑटोमेटिक इंस्टॉल कैसे हो जाएगा भैया? पैगासस सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड गूगल का है, गूगल लैरी पेज का है, ये भी जीव्स वो भी जीव्स, इंस्टॉल कर दिया जाइए काम से, एगो अपडेट मारिएगा एगो इंस्टॉल लेके चल जाएंगे। यहाँ पे कौन जाएगा इनसे टकराने? पैगासस सॉफ्टवेयर इनका है। यहाँ पे मोसाद दुनिया में सबसे ज्यादा खुफिया एजेंसी है। ईरान अपना परमाणु बम बना रहा था, इसराइल को लग गया कि ईरान परमाणु बम बना लेगा तो दे देगा हमास को, हमास मार देगा, इसलिए उसके परमाणु कार्यक्रम के जो वैज्ञानिक थे फकीर ज्यादा उन्हीं को मार दिया। 8 साल तक उनकी रेकी किया था, 8 साल तक, कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं उसके मरवा चले गए। यहाँ पे सेना प्रमुख को मरा दिया उन पे, कासिम को। तो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, इसके ऊपर आप बम मारने जाइएगा इसराइल को, आयरन डोम सिस्टम रोक लेगा। इसराइल में 9 मिलियन सारे के सारे लोग सैनिक है। हर एक व्यक्ति को जब सैनिक की ट्रेनिंग दे दी जाती है ना, एटलीस्ट बंदूक तो चलाना जान जाता है। अभी किसी को भारत में जो बंदूक नहीं चलाना जानता होगा उसको दे दीजिएगा ना, लो भैया काल गुस्ताख है फायर करो तो उड़ा देगा दूसरे का घर। आर्मी की ट्रेनिंग ले लेना बहुत बड़ी चीज हो जाती। इसराइल से कोई बड़ा देश, बड़ी कंपनी, बड़ा संगठन नहीं टकराना चाहता, क्योंकि वो ना इतना चारों ओर से घेर के रखा है ना आपका मोबाइल लैपटॉप। ये तो हम छोटा सा बस आपको एग्जांपल बताएं, ऐसा नहीं है। अब देखिए दुनिया, अमेरिका में 6 मिलियन यहूदी रहते हैं, ज्यूज रहते हैं, और अगले साल अमेरिका में इलेक्शन है। और आपको पता है इलेक्शन जीतना मतलब बढ़िया आपका कैंपेन होना चाहिए, प्रचार बड़ी लेवल का होना चाहिए। प्रचार कहाँ कीजिएगा? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब ना मेन मेन चीज़ है, गूगल, ये सब। अगर ये जाइंट कंपनी आपके खिलाफ हो जाए आप मुखिया के चुनाव में हार जाइएगा, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है यहाँ पे। तो अभी क्या है, जो बाइडन को चुनाव जीतना है, इसलिए जो बाइडन धड़ाक से अपना एगो विमान वाहक पोत भेज दिए इसराइल के पास, एक और भेज दिए ताकि इधर से रूस ना चलाए हमास या फिलिस्तीन की मदद करने के लिए, और खुद भी चले गए जो बाइडन मिलने के लिए नेतन्याहू से, ताकि यहाँ की ज्यूस कम्युनिटी इनके खिलाफ ना हो। यहाँ पर उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, सारा खेल पावर का है यहाँ पर। ये इसराइल जो यहाँ पर हो रहा है इसलिए कोई नहीं टकराता है। फिलिस्तीन इतना बड़ा था 1946 में, उसके बाद धीरे धीरे कटते गया, आज इतना है, और आने वाले 2-3 महीने में ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ख़त्म करेगा, नेक्स्ट राउंड में मार देगा इसको, गाजा को ख़त्म करके अब मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में शिफ्ट कर देगा, और यहाँ घर द्वार बना के इनके लिए एक कॉलोनी बना देगा, और ये एरिया लेके चला जाएगा। इनको मारता है धड़ल्ले से सबके सामने, और इसको मारता है धीरे धीरे धीरे, पता नहीं चले, पता कैसे चलेगा? गूगल, फेसबुक, गूगल सब कहाँ है आपको नहीं पता चलने वाला। समेट दिया फिलिस्तीन को यहाँ से ले आके यहाँ तक यहाँ। और इसराइल में जो मतलब हालात हैं इसराइल के और हमास के चक्कर में, लाशों की मंडी लगा दिया ये। अगर भारत, देखिए आप समझिए ध्यान से, भारत अगर कश्मीर में उधर से गोली चलती है आतंकवादियों से, हम लोग आतंकवादी को मार देते हैं ना, अमरीका का राजदूत, सुनिए ध्यान से, अमेरिका का राजदूत पीओके में पहुंच जाता है। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और यहाँ पे मानवाधिकार नहीं आ रहा है। हम लोग अगर कश्मीर में एक आतंकवादी को मार देंगे तो छाती चीरने लगेगा सब, अमेरिका, ब्रिटेन, मानवाधिकार हनन हो गया। और ये आतंकवादी मिले या ना मिले, हमास मिले ना मिले उससे मतलब नहीं, सामने जो आया मार दो, लाश का मंडी बना दिया। इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है यहाँ पर। देखिए हम इस फिलिस्तीन के लोग, जो आपके साथ हो रहा है हमारे साथ भी ये हो चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसा नहीं है कि इन अंग्रेजों के चाल चलन से हम वाकिफ नहीं, खून की नदियां बहा के गए हैं सब। जलियांवाला बाग में क्या गलती थी? वो लोग तो नॉर्मल अपनी बातों के लिए इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का दिन था, खुशी मनाने का था कि फसल कटी है, गेहूं काटे हैं सब। जलियांवाला बाग में लाश बिछा, ना बड़ा देखा ना बूढ़ा देखा, सबको मार दिया। तो फिलिस्तीन जो आज देख रहा है, हम लोग उसको झेल चुके हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पूर्वज क्या तकलीफ देखे होंगे सब। आज तो पूरी दुनिया देख रही है, न्यूज है, गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है, जहां से हमारे पास इमेजे जा रहे हैं। कल्पना कीजिए जब हम गुलाम थे उस समय कोई देखने वाला नहीं था, चाहे जिसका मर्डर करे, जिसका रेप करे, कुछ भी करे, अंग्रेजों को रोकने वाला कोई नहीं था। क्या झेले होंगे हमारे पूर्वज भी हम लोग के पास। यहाँ पर बंगाल की घटना बताते हैं, जब हम लोग जब गुलाम थे 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, 40 लाख लोग मरे थे। एक बार दोबारा गिन लीजिएगा, 40 लाख लोग मरे थे, 40 लाख भूख से मरे थे। इस तरह से देखिए, ये बेचारा यहाँ है,
यहाँ पे ये देखिए, ये कुत्ता है ना यहाँ पे, कुत्ता से ज्यादा हड्डी इस बेचारे इस बच्चे की आपको तरस। ये भारत का इंसान है, ये इंडिया का बंगाल का था, ये समझा गया कि नहीं? यहाँ पे ये अंग्रेजों ने मार, इस तरह से लोग मरे थे यहाँ पर। नगर निगम की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी थी ना, उस पर लाश भरा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत से अनाज को ले जाकर, और 1943 में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इंग्लैंड के सैनिक खाना खा सके, उनका पेट भर सके और वो लोग टनाटन रह सके, लेकिन भारत के 40 लाख लोग मर गए, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बंगाल से लेटर लिखा गया विंस्टन चर्चिल के पास, तो विंस्टन चर्चिल को जब लेटर लिखा गया कि बंगाल में 40 लाख लोग मर गए हैं, सड़कों के किनारे लोग रुके हैं, ऐसा लगता है कि ड्यूटी के टाइम जाते हैं तो लगता है कि वो मरने वाला है, ड्यूटी से लौट के आते हैं तो भूख से मर चुका रहता है, खाना भेजवाइए, यहां से अनाज मत ले जाइए सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो विंस्टन चर्चिल कहता है गांधी क्यों नहीं मर रहा है। सोचिए, गांधी क्यों नहीं मर रहा है, ये विंस्टन चर्चिल का लेटर है, गांधी को मरने दो यहाँ पे, भूखे मरने दो यहाँ पे। ये हाल था हमारे देश का, हम लोग भी झेले हैं यहाँ पर। लेकिन जो अभी के समय में जो फिलिस्तीन का सिनेरियो है, उसमें सबसे जो दिल दहलाने वाली चीज है, मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है, वो ये है कि ये छोटे बच्चे, मतलब जिनका उम्र एक दो साल हो गए, ये मरने की उम्र के नहीं थे। आप यकीन मानिए, आपके घर में या बगल में अगर कुत्ता भी बच्चा दिया होगा ना, आप उसको भी नहीं मारिए। एक उम्र होती है जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे अस्पताल पे कर देना ये एक मतलब बियॉन्ड क्रॉस द लिमिट हो जा रहा है। इसराइल को और विश्व को भी ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हम अपनी राजनीति और जमीन के साम्राज्यवाद में इतना गिर जाएंगे कि हम लोग को ये एक साल दो साल के बच्चे नहीं दिखेंगे। दुनिया में सबसे भारी चीज ही पढ़ाते हैं तो कहते ओस्मियम सबसे भारी। दुनिया का सबसे भारी चीज क्या होता है पता है? एक बाप के गोद में एक बेटे का लाश। खैर, ये अंग्रेज और तो को कौन समझाए। 1971 में हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया था। लेकिन हम पाकिस्तान से भी कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हमने उन 93,000 को गोली मार दिया? निहत्ते थे वो लोग 93,000। हमने खाना पीना खिला के लौटाया था, ना ही हमने किसी बच्चियों को मारा, ना छोटे बच्चों पे बम गिराया, ना ही किसी महिलाओं के साथ अत्याचार किया। जानते हैं क्यों? हम हिंदुस्तानी हैं, हमें संस्कार हमारे डीएनए में है। हमारे यहाँ महाभारत जैसी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि महाभारत में किसी छोटे बच्चे को या इस तरह का निसंग मतलब अत्याचार हुआ था। सोने की लंका जला दी गई थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हम लोगों ने मानवता लांघी थी या फिर किसी महिला के साथ या बच्चे के साथ अत्याचार हुआ। विश्व बिरादरी को राजनीति अपने जगह पे है, जमीन की लड़ाई अपनी जगह पे है। अब आतंकवाद भारत से ज्यादा नहीं झेल रहा है कोई, डेली हमारे यहाँ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होता है। आप देखिएगा, नक्सल से प्रभावित होते हैं हम लोग, यहाँ पूर्वोत्तर में अलगाववाद से प्रभावित होते हैं हम लोग भी होते हैं यहाँ पे। हर चीज अपने जगह पे है, लेकिन एक होता है कि ये इतना छोटा भी लड़के के साथ ऐसा नहीं होना। इसीलिए हम कहते हैं हमें गर्व है अपने भारतीय संस्कृति। कभी कभी लगता है कि कहते हैं कि अहंकार खराब चीज है, घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको हिंदुस्तानी होने पे घमंड है इस बात पे। हालांकि घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन है, क्योंकि हम ऐसे महान देश में जन्म लिए हैं ना, जहां दुश्मनों से भी इज्जत से बैठा के बैठाया गया था, यहां पर बगल में बराबरी में बैठ के और ये साइन किए थे यहां। यही सब लगता है कि बहुत हम लोग पिछले जन्म में या क्या अच्छाई किए थे कि हिंदुस्तान में जन्म लिए, ताकि हम लोग को ऐसा संस्कार देखने को मिला यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ये हम लोग को नहीं सताए सब। देखिए, अंग्रेज पहले भी आए थे सब, वास्को डिगामा पहले भी आया था, अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, सब भारत को लूटने आए थे सब यहाँ पे, अभी भी भारत में आ रहे हैं सब यहाँ। अंतर क्या है समझिएगा ध्यान से। वास्को डिगामा फिजिकली आया था, ये लोग फिजिकली आए थे, अभी ये सब डिजिटली आते हैं सब, गूगल यूट्यूब फेसबुक ये वो। अब हर हिंदुस्तानी अपने आप से सोच, क्या हम गूगल फेसबुक एंड्रॉयड विंडोज इसके हटा के हमें क्या इंडियन वर्जन पे काम नहीं करना चाहिए? क्या हमें इन पे इतना डिपेंडेंसी ठीक है? ये किसी के साथ कर सकते हैं यहाँ पर? अमेरिका का क्या भरोसा? 1971 में जब ये हम लोग सरेंडर करा रहे थे, परमाणु बम मारने आया था हमारे पास, अरे यहाँ आया था ना परमाणु बम मारने, ये किसी भरोसा नहीं, बड़ी तेज पलट जाते हैं सब। मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, कहा था वीजा नहीं देंगे, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाद में बुला के पिज्जा खिला रहा है, पिज्जा खाओ। इन लोग का नहीं। तो हम हिंदुस्तान वाले जितना जल्दी वक्त रहते संभल जाइए, हमें अपना इस को डेडिकेटेड चीज बनाना चाहिए, वरना रूस जैसे देश को ये लोग घुटने पे ला दिए। यूक्रेन में कोई मरता है ना, जेलेंस्की ज्यूज, यूक्रेन में एक लाश गिरती है तो पूरा दुनिया तहलका मचा देती है। यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग, यूएनओ कहता है कि वहाँ पे बच्चों का कब्र, बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया है, कहता है यूएनओ को ही खत्म कर दो, चीफ को ही हटा दो, यूएनओ महासचिव को।
भारत को समझदार बनना चाहिए, वरना ये घेर लेंगे। और हम अगेन धन्यवाद देते हैं भारत की उन तीनों सेनाओं को, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो हमारे भारत माँ को चाहे जिधर से भी देखेंगे आंख निकाल लिया जाएगा भारत की ओर देखने वालों को। वरना हम लोग का भी हाल यही करके गए हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारा यही हाल होता 1947 से पहले, ये हाल हमारा था। और धन्य है उनकी आत्माओं को शांति दे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके नामों तो हम तो जानते हैं, और ऐसे लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके हम नाम तक नहीं जानते, जो हमारे बेहतर भविष्य के लिए, हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे के चले गए। वरना जो वहाँ हो रहा है वो भारत में हो कर गया है। ऐसा नहीं, उस समय मीडिया उतनी नहीं थी, तो आप इस चीज़ को समझते हैं। और हमें जहाँ तक लगता है कि हम लोग को अपना सिस्टम जितना जल्दी बिल्ड करना चाहिए वो कर लेना चाहिए। और रही बात अब बीपीएससी की, जी तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था खान सर पटना का, आज वो बता रहे थे तफसील के साथ जूस जो है, जो यहूदी है, ये यहूदी क्यों इतने ताकतवर हैं, क्यों इनके पास इतना, क्या ऐसा दिमाग है कि सारी दुनिया इनसे घबराती है लड़ने से। एक छोटा सा तिनके जैसा पूरी दुनिया में नज़र आने वाला जो कंट्री है, वो पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो उससे लड़ने से भी डरते हैं, वो मन मर्जी करता है। अब देखिए, कोई भी मुल्क इस तरह से रिटेलिएट नहीं करता जिस तरह से इसराइल कर रहा है, जिस तरह से इसराइल ने को करता हुआ हमने देखा है, जिस तरह हमने इसराइल की हिस्ट्री देखी है, पूरी दुनिया की ये जो रुपए को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया की ये जो हर चीज़ मोबाइल से लेकर आज सब कुछ तो मोबाइल में आ गया है, और मोबाइल को कंट्रोल कौन करता है, वो है ज्यूस, वो है यहूदी। तो बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पे अगर बड़े नदान लोग हैं यहाँ के पाकिस्तानी, ये खास में हम अपने बात करते हैं, दुनिया की तो छोड़ें, कोका कोला को ना पियो, मैकडोनल्ड मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा करो, तो वो लोग कह रहे हैं कि जो समझदार है कि तुम मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाओगे तो मैकडोनल्ड को नुकसान कोई नहीं पहुंचने वाला, तुम्हारे जिस पाकिस्तानी ने ये ब्रांच खरीदी हुई है उसको तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। तो मैंने जाके देखा, मैकडोनल्ड भी वैसे ही भरा हुआ था, कोई कहीं बैरिकॉड नहीं है, कोका कोला भी हर जगह पर उसी तरह ही पी जा रही है कहीं। और सबसे बढ़कर तो अगर आपने बाइक आउट करना है तो अपने हाथ में ये जो मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, जिससे आप सारी दुनिया से कनेक्ट हैं, दुनिया क्या अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप, बहन भाई, इसके बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है। एक मिनट के लिए अगर जेब में ना हो तो ऐसे जैसे जिंदगी ही चली गई है रूट कर। तो वो ये वो चीज़ बना दी है किसने, जूस ने। तो हर वो चीज़ जो कि आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है, खाने पीने से लेकर टेक्नोलॉजी तक, वो जूस की है। मैंने पिछली भी एक वीडियो में मिसाल दी थी, मेरा एक दोस्त है, उसने फलस्तीन की हमदर्दी में ग्रोसरी करने गया तो उसने कहा कि मैं आज कोशिश करूँगा कि एक चीज़ भी ना, तो वो कहता कि मैं लाख दर्जे कोशिश के बाद अपना घंटा डे टाइम भी ज़ाया किया था बड़े स्टोर में, लेकिन मुझे 80% चीज़ें जो हैं वो फिर यहूदियों की ज्यूस की ही लेनी पड़ी। तो ये है उनका दिमागी सोच। जब तुम इस लेवल तक पहुंच जाओगे ना तो फिर बात कर लेना बाइकआउट की, फिर बात कर लेना इनसे मुकाबले की, फिर बात कर लेना किसी और चीज़ की। जब तुम नहीं कर पाओगे तो फिर ठीक है, चुप करके चपेड़े खाओ। चपेड़े भी तुम अपनी वजह से ही खाते हो, ना खाओ, सुकून से रहो, अमन की शांति के साथ जियो और जीने दो। यही सिंपल फंडा है दुनिया का। अगर आप किसी को तंग करोगे तो फिर वो भी आपको तंग ही करेगा, वो आप पे कोई फूल नुछावर नहीं करेगा। तो भाई आप भाई वो काबिल हैं तो उन्होंने भाई पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया हुआ है, पूरी दुनिया को मजबूर किया हुआ है कि वो भाई उनसे पंगा नहीं ले सकते। और ये देखें कि हमारी काबिलियत ये है कि हम गटर का एक ढक्कन नहीं बना सकते और हम उनकी चीजों से बाइकआउट करते हैं। भाई देखिए, दुनिया में अगर दो कौमें ऐसी हैं जिन पे जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हुई, आज तो हमें नजर आ रहा है ना फलस्तीनियों को, कश्मीरियों में भी हम झूठा, एक हिंदू दूसरा ज्यूस। पीछे चले जाएं थोड़ा जाए हिस्ट्री में, तारीख पढ़े, जब भी को देखो जी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान, जाओ मारो लूटो, लूट कर आ जाओ। और ज्यूस को हजारों सालों से अपने ही मुल्क से निकाल दिया गया, मार मार कर कौम ही खत्म कर दी गई, और इतना मारा गया कि दुनिया में बेबसी का निशान बन गए ज्यूस। लेकिन उन्होंने जब दोबारा से मौका मिला तो उन्होंने एक फैसला किया, और फैसला क्या था कि अगर हमने जिंदा रहना है तो ये दुनिया की जो पावर है ना इसको अपने हाथ में लेना है, फिर ही हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो कल को फिर कोई निकलेगा, कल फिर कोई आ जाएगा कोई हमें मारने, तो फिर हम किस तरह से आज देखिए दुनिया को कंट्रोल कर रहा है किस तरह से, कि आज एक ईसाई देश अमेरिका
पीछे खड़ा हुआ है इसराइल के। तो ये है पावर उनकी, इसराइलियों की, और ये दिमाग और ये सोच ही इंसान को ये सोच, ये पावर उन्होंने अमेरिका को जो पावर देने वाले हैं, उनके पीछे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने वाले हैं वो ये ज्यूज ही हैं। उन्होंने कहा कि हम छोटे से हैं, हम यहाँ से पावर नहीं ले सकते। पहले उन्होंने एक मुल्क को जो है ना सुपर पावर दिलाई और पूरी दुनिया को कैप्चर करने के लिए। देखिए आज अमेरिका जो है उस ज्यूज की मर्जी के खिलाफ कोई भी नहीं करता, सारी दुनिया उसके खिलाफ वोट करे, अमेरिका नहीं करेगा। तो चीज ये है कि देखिए आज 57 इस्लामी ममालिक मिलकर एक अपनी ऐप नहीं बना सके कि भाई हम उसके मुकाबले में कुछ ऐसा कोई चीज बना लें। चाइना ने तो चलो वो जो है ना वो उनके मोबाइल के ऊपर आया था और सॉफ्टवेयर की वजह से उन्होंने अपना को बना लिया। तो इस्लामी ममालिक में तो ये भी काबिलियत नहीं है। अब देखिए जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, पाकिस्तान चलो मांगे तांगे पे चल रहा है, कर्जे लेता है, करप्शन होती है। भाई चाइना ने कर लिया तो उसकी कंपनी का हवावे का क्या बना? बिल्कुल बना। आज देखिए पाकिस्तान में दूसरी या तीसरे नंबर पे हवावे की सेल थी, लेकिन आज किसी एक के हाथ में भी मोबाइल नजर आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो यही सारी चीजें हैं कि आप देखिए एक वो देखिए चाइना ने फिर भी तो हिम्मत तो दिखाई ना, उसने कहा उनके पास दिमाग है, दिमाग था, उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, एप्पल नहीं कर रहा तो हम जो है ना ये ऐसे कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने करके तो दिखाया, चलो नहीं सेल हुई कोई मसला नहीं, उसके नीचे आ गए, लेकिन किया तो सही ना। हमने तो वो भी नहीं किया, आज हम बायकॉट कर दे जी, ये बायकॉट वो बायकॉट, इधर का बायकॉट उधर का बायकॉट, बातों के अलावा हमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। चाइना ने चलो वो तो किया। तो यही सारी चीजें हैं कि ये 57 इस्लामी ममालिक मिलकर अपनी जो दौलत के ये जो अंबार हैं, ये देखिए आज जो है MBS जो है वो सोच रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में हमने ऐसे करना है, तो वो अपने लिए कर रहा है। तो इस तरह भी तो उसको तवज्जो देनी चाहिए ना कि भाई आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी में भी हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल आईटी की जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सऊदी अरेबिया में होनी चाहिए। देखिए ये फलाना आईटी आया, देखिए इंडिया आईटी में कितना तरक्की कर रहा है। आने वाला वक्त आईटी का है, आने वाला दौर जो है ना ई कॉमर्स का है। तो इन चीजों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम इसका बायकॉट करें उसका बायकॉट करें। तो भाई आज देखिए जिस तरह से खान सर ने डिटेल के साथ बताया है कि भाई ये किसका तो फिर किसका ही है, तो फिर किसका बायकॉट करोगे? पावरफुल और उसके पीछे जो लॉजिकली चीजें हैं वो उन्होंने बताई आज पूरी डिटेल में। बिल्कुल और दुनिया की जो टॉप आंखें खुल गई, और हम तो सिर्फ बात करते हैं ना, आज देखा भी कि यार ये भी इनका है, ये भी इनका है और भाई सारा कुछ ही इनका है, तो फिर हमारा क्या है? हम सिर्फ सोते हैं, बाकी हर चीज जो इस्तेमाल करते हैं सभी चीजें हम सिर्फ लल्लू ही रहे और हमेशा, और बस नारों पे लगाने वाले लोग हैं। किसी ने नारा लगा दिया, जैसे भैंस को जो है ना वो उसके पीछे होता है, वो जिस तरह उसको सही बात है वो उसी तरह चली जाती हैं। बकरियों का रेवड़ है, जिस तरह कोई चलाने वाला उसको जो है ना हांकता है उस तरह हम चल पड़ते हैं। आज हम भी सही बात है, ये जज्बे वाली कौम शायद अपना जज्बा कहीं रख के सो गई है। बिल्कुल जज्बा अगर इस्तेमाल करते, दुनिया के साथ आगे बढ़ते और फिर दुनिया को नजर आता कि हम भी क्या है, लेकिन आज हम सिर्फ बातों की हद तक हैं, अमलन कोई कर रहा है तो वो कोई और ही है। आई होप सो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।